हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में नववर्ष मेला पूजा अर्चना आरती के साथ धूमधाम के साथ शुरू हो गया है। 5 दिवसीय इस मेले में 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक इस मेले में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगी, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता श्री नैना देवी के दर्शन करके अपने नववर्ष का आगाज करेंगे। नववर्ष मेले के दौरान जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, वहीं पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी जेब कतरों और सामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाती है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेला पुलिस अधिकारी डीएसपी शेर सिंह के मुताबिक मेले के दौरान श्रद्धालु एवं पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगभग 500 के करीब होमगार्ड पुलिस के जवान एवं एक्स सर्विसमैन फौजी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मंदिर आने वाले रास्ते पर वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था भी की गई है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर कड़ाहवे प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानीय पुजारी का कहना है कि माता श्री नैना देवी के दरबार में नववर्ष मेले के दौरान धार्मिक का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ज्यादातर श्रद्धालु अब माता के दर्शन कर नववर्ष का आगाज करते हैं, ताकि माता रानी की कृपा से पूरा वर्ष उन पर कृपा बनी रहे। नव वर्ष की माता जी के श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। आज से नव वर्ष का जो मेला यहाँ मनाया जाता है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धालु आने माता जी के शुरू हो गए हैं। 31 तारीख को और 1 को विशेषतया बहुत से श्रद्धालु इस मौके पे माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो उसके लिए न्यास ने पूरा प्रबंध कर लिया है। पूरी प्रशासन की देख रेख में सारे प्रबंध जो है वो सुचारू रूप से देख लिए हैं, तो श्रद्धालु आए कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का भी प्रयोग करें। जय माता। एंस्टा न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।